नमस्कार दोस्तों, कैफे रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाते हैं साबूदाने का पकौड़ा। तो कच्चे साबूदाने का पकौड़ा तो हम बनाए थे, आज बना रहे हैं। ये फूला हुआ साबूदाना है, बिल्कुल अलग अलग सब हो गया है। इसे हम 1 घंटे के लिए भिंगा दिए थे। इसमें डाल देते हैं हम 2 उबला हुआ आलू, कद्दूकस किया हुआ। आप कच्चा आलू भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, जीरा पाउडर, इसमें हम डाल देते हैं 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 टुकड़ा शिमला मिर्च, हरा मिर्च, हरा धनिया, अदरक और ये करी पत्ता। ऐसा नहीं है कि हम व्रत में ही बना के सिर्फ खा सकते हैं, जब भी मन हो तब आप बना के इसे खा सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 नींबू का रस। और सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसका पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो ये देखिए सब मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम तेल डाले हैं। हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लिए हैं और इसे इस तरीके से हम सेप दे रहे हैं। इस तरीके से सेप दे रहे हैं। सबको हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हम सारे सेप में बना लिए हैं। अब एक एक करके हम इसमें डालते जाते हैं और गैस का फ्लेम कम रखेंगे ताकि अंदर तक पके। इसे हम अलगते पलटते हुए बना लेते हैं। तो अलटते पलटते हुए हम इसे पका रहे हैं, थोड़ा सा और पकेगा उसके बाद हम निकाल लेंगे।